बॉयकॉट एनआरसी में हूँ इसलिए कि एक मजहब को छोड़ के बाकी लोगों को हेल्प कर रहे, तो अच्छा नहीं। सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रेम से रहते थे। जब देश को अजमल कसाब ने जितना नुकसान नहीं पहुँचाया आर्थिक रूप को, उससे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री ने पहुँचाया। सिर्फ उनका कोशिश है वोट बटोर के और भारत को लूटने की। जो आदमी दूसरे के दावत नहीं छोड़ सकते वो भारत को क्या छोड़ेगा, पूरा निचोड़ के रख रहे हैं। कोई भी पॉलिसी लाना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा सत्याग्रह यह है कि हमारे इंडिया में जो सबको फ्रीडम का अधिकार है तो सबको इक्वल न्याय मिलना चाहिए। बैकफुट पे सरकार पहुंच गई है, सरकार को अभी भी सोचना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भारत तो इतना बड़ा खाई में गिर चुका है कि इसे ऊपर आना मुश्किल है। सरकार अगर अपनी गलती मान लेती है तो जनता उनको माफ कर देगी। हम साथ साथ में लड़ेंगे लेकिन नॉन वायलेंस के रास्ते में लड़ेंगे। जिस भी तरह का प्रोटेस्ट हो हम लोग उसमें सपोर्ट करने के लिए कहीं पर भी तैयार है। मोदी जी ने बोला ना कि हम लोग NRC अभी होल्ड कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा एक विजय है। आंदोलन में इफेक्ट हुआ, उन लोग थोड़ा शेकी हो गया, थोड़ा डर आ गया जो इतना दिन तक उनको नहीं था। मैं इस वक्त मुंबई के सांता क्रूज में खड़ा हूं जहां पर सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह है NCR और CAA के खिलाफ। यहां पर ये जो सत्याग्रह है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक फास्टिंग है यहां पर, यानी कि रोज़ा रखेंगे या ये कहें उपवास करेंगे इस आंदोलन के ज़रिए। ये लोग वो हैं जो हमारी तरह सोचते हैं और जो देश का भला चाहते हैं और सबको किसी चीज़ का अफसोस है। हम यहाँ पे पंडित जी हैं। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भी CAA और NRC के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन हो रहा है और उपवास जो रखा जा रहा है आज सत्याग्रह में, उसमें आप शामिल हुए, उपवास रखा है आपने? हम लोग सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक उपवास रखने का सोचा। इसमें हम लोग जूस भी, पानी भी, चाय भी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं ले रहे, सीधा शाम को ही उपवास खोलेंगे। और हम लोग बचपन से ही सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रेम से रहते थे और इसीलिए उनकी सपोर्ट में आज हम लोग मदद करें। पंडित जी, एक सवाल हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, ये कि आम तौर पे ये जिस वेशभूषा में आए हैं आप, भगवा कलर में या पंडित कहें या के इसके सपोर्ट में है पूरे देश में, अगर कहें तो NRC के सपोर्ट में है, CAA के सपोर्ट में है, पर आप किस तरह है? नहीं, मैं NRC के अगेंस्ट में हूँ, बॉयकॉट NRC में हूँ, इसीलिए कि एक मजहब को छोड़ के बाकी लोगों को हेल्प कर रहे तो अच्छा नहीं। CAA में और NRC में कई लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं। मैं चाहता हूँ कि पहले लोगों को नौकरी मिले। और मैं तो वेटनरी डॉक्टर था, तो मैं जब पास हुआ था तो मेरे को 5 नौकरी बाई लेटर और 1 बाई टेलीग्राम आया था। लेकिन आज जब से BJP सरकार आई है तो बड़े बड़े इंजीनियर लोगों को और MBA वालों को नौकरी नहीं मिल रहा है और कर्जा डबल हो गया 5 ही सालों में। और सारे अच्छे जो कंपनियां 70 साल में हमने बनाया वो सबको बेचने लग गए अब, और कम से कम 7-8 कंपनी और बेचने के सोच रहे और ONGC से ऐसे कंपनियों को खरीदने को लगाया। ONGC एकदम प्रेस्टिजियस कंपनी था, नवरत्न, उसमें एंट्रेंस लिख के लोग आते थे, अच्छा सैलरी पाते थे। तो जब इतना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, डिफेंस के लिए बजट कम कर दिया गया और जो होनहार स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया और SC ST लोगों के लिए जो ग्रांट मिलता था वो बंद कर दिया, तो ऐसी कड़की के समय पे जब देश को अजमल कसाब ने जितना नुकसान नहीं पहुँचाया आर्थिक रूप को, उससे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री ने पहुँचाया, इसका दुख मनाने के बजाय और लोगों को अलग करके NRC और ये सब करने के लिए पैसा है ही नहीं सरकार के पास। सिर्फ उनका कोशिश है वोट बटोर के और भारत को लूटने की। जो आदमी दूसरे के दावत नहीं छोड़ सकते वो भारत को क्या छोड़ेगा, पूरा निचोड़ के रख रहे हैं, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आप ये बताइए कि ये जो सत्याग्रह है ये आज आप कर रहे हैं, सब लोग आप लोग फास्टिंग रखे हुए हैं, क्या है आपकी मांग? देखिए, हमारी मांग ये है कि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाधा ना आते हुए कोई भी अगर लॉ करना है, कोई भी काम करना है, तो कोई भी पॉलिसी लाना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आदमी आदमी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, भले उसका धर्म कुछ भी हो, भले उसकी जात कुछ भी हो, भले उसका कास्ट कुछ भी हो,
उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हर एक के लिए जो भी कानून बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन नहीं होना चाहिए। आप इस सत्याग्रह को किस तरह से देख रही हैं, कब तक चलेगा ये? ये CAA लेके आए हैं या NRC लेके आए थे? अच्छा, तो ये जो लेके आए थे, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस वजह से हम लोग है ना ये सत्याग्रह कर रहे हैं कि सरकार है ना पूरा क्लियर करे कि ये जो CAA है, कई बार वो कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, यानी देखा जाए खुद ही वो इतने कंफ्यूज हैं, किसी के बारे में इतना खुल के नहीं बता पा रहे हैं। तो हमारा सत्याग्रह यह है कि हमारे इंडिया में जो सबको फ्रीडम का अधिकार है तो सबको इक्वल न्याय मिलना चाहिए। सर, आपको लगता है कि इस आंदोलन का असर पड़ा और थोड़ा सा बैकफुट पे है सरकार? बिल्कुल बैकफुट पे सरकार पहुंच गई है। सरकार को अभी भी सोचना चाहिए कि CAA के बारे में बिल्कुल सोचे और कदम पीछे ले, नहीं तो विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई चौपट हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से भारत तो इतना बड़ा खाई में गिर चुका है कि इसे ऊपर आना मुश्किल है। तो अब भी सरकार एक सबक ले ले और कम से कम एक पैर पीछे हटाए, देश में उनका स्वागत होगा। और मेजोरिटी की सरकार थी, कुछ अच्छा चाहिए था लोगों को, लेकिन वो नहीं मिला। जो चीज़ मुद्दा था वो बिल्कुल नहीं कभी किए, और जो नहीं था वो क्या करते रहे। तो बिल्कुल उनको बैकफुट में जाना ही चाहिए। ये सरकार अगर अपनी गलती मान लेती है तो जनता उनको माफ़ कर देगी, वे होता है आजकल देखा जाए तो गलती होती है, लेकिन माफ़ी मांगना जो होता है ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर, ये जो सत्याग्रह चल रहा है, लग रहा है आपको कि इसका असर सरकार पे हो रहा है? तो हमको वायलेंस के रास्ते पे नहीं जाने का है, क्योंकि वो हम सरकार के लिए हम हमारा फेलियर दिखा रहा हूँ। वो अगर कोई भी प्रोवोकेशन पे हम वायलेंस के रास्ते पे जाता है तो सरकार को कभी भी लॉ एंड ऑर्डर साइड करके उसका ऑपरेशन करने के लिए उनके हाथ पे एक हम हथियार दे रहा है। जब गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता के लिए लड़ाई दी करी दी तो वो टाइम पे वो ब्रिटिश वालों के साथ भी ना वो ऐसा एक भी ऊंचे आवाज़ में भी बात नहीं किया है। जब उसको ना बहुत ठीक तरह से एंगर होता है ना, वो टाइम पे वो मौन व्रत लेता था। युवा है क्या, आप जानते थे पहले से सत्याग्रह के बारे में कि क्या है ये? जो भी प्रोटेस्ट है, जैसे कि फास्टिंग हो या जिस भी तरह का प्रोटेस्ट हो, हम लोग उसमें सपोर्ट करने के लिए कहीं पे भी तैयार है। हम सत्याग्रह के बारे में जानना चाह रहे हैं जो गांधी जी ने चलाया था आज़ादी के लिए। हम कहें कि एक और ये आज़ादी के लिए लड़ाई है? हाँ, आज़ादी की ही लड़ाई है। जैसे गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए थे और जो भी मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट थे, उन्होंने जो आज़ादी की तरफ लेकर गए लोगों को, उस देशवासियों को, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हम भी इस देश को पूरी आज़ादी, मतलब जैसा भी जो भी रास्ते से मिल सके हम पूरी कोशिश करेंगे। आंदोलन इतना चल रहा है, आपको लगता है कि इसका असर हुआ है और हो रहा है? बिल्कुल, आपको नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने बोला ने कि हम लोग NRC अभी होल्ड कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा एक विजय है। और अपने आप में बीच में झगड़ा होने लग गया, होम मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर उल्टा बोल रहा है, और इसका मतलब क्या है? उनको आंदोलन में इफेक्ट हुआ, उन लोग थोड़ा शेकी हो गया, थोड़ा डर आ गया जो इतना दिन तक उनको नहीं था। तो जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर कुछ लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, उपवास रखा हुआ है इन्होंने सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, और इनका विरोध भी वही है, NRC और CAA। मैं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज़ डेस्क के लिए। आपकी आवाज़।